assalamu alaikum dear students i am dr afifa Khanam and i am your instructor for this course trends and issues in early childhood education uh, i wel welcome to you for this course and i hope that you will enjoy this course a lot because it is the need of the hour to care for our children so our first lecture is that emerging trends in ace the global child changing issues Changing time. Now, I will tell you the learning outcomes of this course because we are going to learn a lot of things within this course. For example, after completing this course, you will be able to conceptualize and explain current trends and issues in early childhood education. And likewise, you will identify curriculum changes for 21st century so you will learn to develop innovative and engaging strategies for teaching at early grade children you will learn produce leadership qualities in early grade students the learning outcome of this course is also to inculcate moral and ethical values in early grade children to create awareness in early grade children for prevention of child abuse and to develop strategies to incorporate technology in teaching early grade students. And likewise, the next learning outcome will be practice multiple and appropriate ways of assessment for early grade children. We have some more learning outcomes because that's vast and very very essential course for you. You will learn to manage and develop gender identities in early year children. Manage diversity and individual differences to promote equity in early grade children. You will learn sense and monitor early year children's health and nutritional issues. So now we are coming to the changing issues, changing time for ECE. Dear students, we are now in the 21st century. And you know, our future are the kids, the children. Early childhood children, we define, are from birth to eight years. So all of the world is emphasizing the education, nutrition,

तो क्यों ना हम पाकिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए असलाहत करने के लिए अपने इसाथा को तैयार करें एंड देन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड हुड बचपन बहुत अहम है बचपन के लिए हमें अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बच्चों की तरबियत हो तो वो इसी तरह बेहतरीन एडल्ट या बालिग लोग बनेंगे फिर ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ आपको पता है एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद हमारी रवायात व अकदार को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना है सो so, ये बहुत बड़ा मकसद है ख्वाब व कोई भी मज़हब हो कोई इलाका हो कैसी ही जगह क्यों ना हो लोग अपनी रिवायात को अकदार को मजहब को अपने बच्चों में अपनी नस्लों में इनकल्केट करना चाहते हैं तो आज हमारा ये भी मौजू होगा और फिर प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिजम फोर द टीचर्स फॉर द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेटर्स यानि अगर उस्ताद तलीम याफ्ता हो तरबियत याफ्ता हो तो फिर ही हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं सो so, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के वो हमें सबसे पहले अपने एजुकेटर में इनकलकेट करना है और फिर उन उनके हाथों स्टूडेंट्स में और नई नस्लों में मुंतकिल करना है तो डियर स्टूडेंट्स एथिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म में आप यूँ देखें कि जैसे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आई तो पूरी दुनिया में मुखर के मख्तल तरह के इंकलाबात आए और सबसे ज़्यादा तोज्जो ज़ाहिर है हर कॉम अपने आने वाले बच्चों पर दे रही थी क्योंकि यही उनका मुस्तक है नाइनटीन फिफ्टीज़ में अर्ली चाइल्ड हुड की बात हुई कि जो इब्तदाई तालीम है बच्चों की क्योंकि जैसे हमने अर्ज़ किया बर्थ से लेके कर एट्थ यर तक जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं उनके ऊपर हालात का उनके एनवायरमेंट का इर्द गिर्द के माहौल का उनके वालदान की तरबियत का उनके इस दी गई हिदायत का और दिन रात के तजुर्बात का सबसे ज़्यादा असर होता है कभी आपने अपने घर में कोई बच्चा देखा हो आप बात दोहराते हैं कॉपी कैट की तरह फौरन आपकी बात को दोहराता है और आप हैरान रह जाते हैं ख्वाब वो बात उसी वक्त दोहराए या कुछ देर के बाद फिर जो आप करते हैं वो आपको वैसे ही करता देखता है कभी आपने ये सलाहियतें बड़ों में भी देखी हैं उनको सीखने में बहुत वक्त लगता है वो बहुत देर से सीखते हैं कुछ किताब रीड कर रहे होंगे तो बड़ी देर के बाद उसको समझ पाएंगे लेकिन अल्लाह सुबहाना वाता ने यह वक्त जो बचपन का वक्त है इब्तदाई बचपन का उसको बहुत अहम बनाया है तो पूरी दुनिया ये चाहती है कि मासूम बच्चों की तरबियत पर सबसे ज़्यादा तोज्जो दी जाए इन्होंने ही आगे चल के एक बेहतरीन मुशरा तश्कल देना है तो इसलिए यह सब इसलिए है क्योंकि हमारा बचपन अहम है आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि बचपन के अंदर जहन तेज़ है आपकी जिसमानी नशो वनुमा भी बहुत तेज़ हो तेज़ी से हो रही है साल भर में बच्चा यहाँ से यहाँ आ जाता है बहुत कुछ सीख लेता है वो जबान जो हम सारी उम्र लगा के भी नहीं सीख सकते पहले साल में आप बच्चे को जिस जबान के साथ दूसरे साल में जिस जबान को वो बोलता है सुनता है वो सब उसके अंदर जहन नशीन होता चला जाता है और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला जाता है तो वो ये कहते हैं बचपन अहम है सिर्फ यही नहीं कि इसकी सीखने की सलाहियतें बहुत तेज़ हैं बल्कि होता ये है कि बच्चा जो है वो इतना ही वलनरेबल भी है उसको नुकसान भी इस उम्र में ज़्यादा पहुँचता है नाजुक है तबई तौर तो पर भी उसको मुनासिब ख़ुराक ना मिले उसको मुनासिब खाना ना मिले मुनासिब तालीम और तरबियत ना मिले तो वो एक ऐसी शख्सियत बनता है जो कभी भी मुआरे को फ़ायदा नहीं दे सकती तो प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स असल में हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बचपन की अहमियत क्या है सो हम इसके ऊपर आने वाले जो हमारी मालूम होंगी जो मॉड्यूल्स होंगे उसमें आपको बड़ी तफसील से बताएंगे अगली चीज़ जो हमने कहा था जी ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ यानी अकदार को आगे मुंतकिल करना तो आपके क्या ख्याल में अकदार सिर्फ यही हैं कि आपकी सेलिब्रेशन कैसे होंगी या आप कौन सा मज़ब अपनाएंगे नहीं जिंदगी के हर मरहले में सुबह से शाम तक हमारा उठना हमारा बैठना लोगों से बात करना लोगों से डील करना अपने अमाल वफ़ाल को तरतीब देना हमारा नज़मो जब्त ये सब हमारा ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ का हिस्सा है ये सारे अकदार हमने सिखाने हैं ये तो आपको पता है कि जब आपको कोई शख्स देखता है आपसे बात करता है या आपके साथ उसका कोई लेन देन होता है तो वो अंदाज़ा करता है कि ये जो शख्स है इसकी अच्छी तरबीत हुई हुई है यकीनन ये किसी अच्छे घर में पला बड़ा है या इसके वालदेन या उस ने इसके ऊपर मेहनत की हुई है तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी इन्हीं दिनों में बनती है यहीं से आप अकदार कासूल करते हैं आपको बात कैसे करनी है बड़ों का अदब कैसे करना है अपना ख्याल कैसे रखना है अपनी सेहत का सफाई का मामूलत ज़िंदगी का इल्म कैसे हासिल करना है क्या अहम है क्या नहीं अहम तो आप जानते ही हैं कि वैल्यू जो है वो क्या है वो आपके ज़िंदगी के अहम पहलू हैं जिन पर आपके बिलीव्स और एटीट्यूड्स बनते हैं जो आपकी सोच बनती है तो बच्चों की सोच बचपन में बनती है और यही बाद में बालिग होने पे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा और उनके जो बिहेवियर्स हैं उनका हिस्सा बनती हैं अब आखिर में जब हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोफेशनलिज़्म जो है ये इस में अगर होगा नहीं आपकी प्रॉपर हायरिंग नहीं होगी इसात की उनकी क्वालिफिकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा कोई उनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी उनके पास छोटे बच्चों की केयर का कोई नॉलेज नहीं होगा या और तो और उनका रवैया या एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर जिनको हम बोलते हैं वो इस काबिल नहीं होंगे कि बच्चों की तरबियत कर सकें तो फिर ये सब ख्वाब ख्याल है हम बच्चों की तरबियत के लिए जैसे मैंने ऐसे अर्ज किया कि ट्वेंटी सेंचुरी में जो ई है अर्ली चाइल्डहुड है इसके इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इससे पहले लोगों का ख्याल था कि बच्चे खुद ब खुद पल बढ़ जाते हैं तजुर्बात से सीखते हैं तो जो हमारी एक नाइनटीन सेंचुरी थी नाइनटीन जो आगे ट्वेंटी सेंचुरी आई फिर तब आपने सबसे पहले देखा कि रूसो ने ये कहा कि आप बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं उसको जंगल में भेजें वो नेचर से सीखे और नेचर में वो क्या होगा वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा तो अपने एक्सपीरियंसेस से चूँकि बच्चे सीखते हैं तो आप क्या आज हम उनको वैसे एक्सपीरियंसेस या तजुर्बात फ्राहम करते हैं क्या अपने स्कूलों में उनको मौका मिलता है कि वो कुदरती चीज़ों को छूए या ऐसी सिचुएशन में से ऐसी सूरत हाल में से गुजरें कि वो तजुर्बा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए उनकी ज़िंदगी की याद बन जाए जिसके ऊपर उनका कोई एटीट्यूड या बिलीव डेवलप हो तो अब ऐसा नहीं है कि जो दुनिया के अंदर हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है वो काफ़ी है बच्चे के लिए उसके लिए इंतजाम करने होंगे और की बेहतरीन तरबियत करना होगी जैसे मैंने अर्ज किया की तरबियत में सबसे पहले तो ये कि जब आप के के लिए कोई हायरिंग करते हैं तो उनकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ठीक है यानी उनको सिर्फ बड़ों को पढ़ाने का नॉलेज ना हो बल्कि पेडागोजी का भी नॉलेज हो और तो पेडागोजी जो है वो तौर पे बच्चों को पढ़ाने के इल्म को कहते अब पेडागोजी भी जरूरी है कि उनकी क्वालिफिकेशन हो अब जब वो बच्चों का इल्म जानते हैं उनकी केयर जिसको हम ई कहते हैं यानी अर्ली चाइल्ड हुड केयर चाइल्ड हुड केयर फॉर एजुकेशन तो इसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं है नेक्स्ट वर्ड केयर भी एडेड है अब केयर का मतलब यह है कि हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है उनका ख्याल भी रखना है ठीक है तो हमारे असास् की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ा सकें बल्कि उनका ख्याल भी रखें तो इस तरह से हमें इस की क्वालिफ़िकेशन का एक ख़ास स्टैंडर्ड या मैार बनाना है और आजकल बहुत से मैारत हैं टीचर लाइसेंसिंग भी है और हमारे इस खूस तौर पर जिन्होंने ई सी ई के कोर्सेस कर रखे हों ई सी ई के ऑनर्स कर रखे हों उनको हायर किया जाता है दूसरा जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि कुछ मैथ के क्वेश्चन उनको आ जाएँ या साइंस की चीज़ें आ जाएँ या आर्ट्स की चीज़ें आ जाएँ बल्कि चूंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसके ऊपर पूरी दुनिया का एम्फोसिस है होलिस्टिक डेवलपमेंट हमने करनी है किसी बच्चे की तो उसमें हमें तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी करना है और तरबियत का मतलब है पूरे इंसान की शख्सियत वो एक छोटा सा इंसान छोटा सा पैकेज ही तो है हमने ये देखना है कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है मसलन सबसे पहले उसकी फिज़िकल हेल्थ यानी उसको न्यूट्रिशन मिल रही है मुनासिब खुराक मिल रही है या नहीं फिर उसकी इमोशनल हेल्थ कि वो जज्बाती तौर पर मज़बूत है या नहीं वो अपने जज्बात पर अच्छे से काबू रख सकता है या नहीं या वो रोना धोना या गुस्सा और ये सारी चीज़ें इनको नजमो ज़ब्त में लाना ज़रूरी है फिर हम ये देखते हैं कि बच्चा सोशली कैसा बिहेव कर रहा है क्या दूसरों के करीब जाता है दूसरों को एक्सेप्ट करता है जो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है मतलब आपने देखा होगा बच्चे अजनबियों से अमूमन नहीं मिलते शर्माते हैं माँ के पीछे छुप जाते हैं बाप के पीछे छुप जाते हैं उनको सोशल बनाना भी तो स्कूल का सबसे बड़ा मकसद है वहाँ जाएँ पीयर्स होंगे उनके हम उमर साथी होंगे जिनके साथ मिल वो पढ़ेंगे भी खेलेंगे भी लेकिन वो वहाँ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट तो हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि वो सोशली डेवलप करें इमोशनली डेवलप करें फिज़िकली डेवलप करें मैंटली डेवलप करें ठीक है अब इस तरह से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने इसाजा को मुनासिब तरीके से चुने सेलेक्ट करें ताकि वो बच्चों की मुनासिब तरबियत कर सकें और आने वाले फ्यूचर में वो हमारे लिए बेहतरीन एडल्ट या बालग लोग हों और एक अच्छा मुशरा तश्ील पाए